सभी आयुष फार्मासिस्ट भाइयों को राम राम। मैं हूँ पीके वैद और आज बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करने के लिए आज मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये दूसरी बार मैं देख रहा हूँ कि एक फार्मासिस्ट अभी प्रवीण कुमार जी जो है बेरोजगारी से तंग आके आत्महत्या कर लेते हैं, यानी जो है नदी में कूद के अपने प्राण गंवा देते हैं। फार्मासिस्ट करने के बाद में उनको नौकरी नहीं मिली, दर दर भटकते रहे, क्लिनिक खोला, क्लिनिक भी नहीं चली। और सरकार जो है विगत 32 सालों से कोई वैकेंसी निकाली नहीं है। और आज जब मैंने देखा पेपर में गजट हुआ सेहत टाइम्स, जो लखनऊ से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है, और हमारे और आपके बीच में से एक हमारे भाई थे, आयुष फार्मासिस्ट की मौत पर शोक सभा आयोजित की गई। और सबसे दुखद बात ये है कि ये लखनऊ में तैनात थे और इन्होंने जो सेवा दिया है अपने दैनिक जीवन की सारी चीज़ों को, सुख सुविधाओं को भूलकर, कितने कम पैसे पर इन्होंने जो सेवा दिया, और जो सेवा देने के बाद इनको प्रतिफल मिला कि दवा ना होने के कारण भाई साहब को अपने प्राणों से भी हाथ धुलना पड़ा। जो लोगों को ही कोरोना के काल में काफ़ी मदद किया, और नौ युवक थे, फार्मासिस्ट थे, देश के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। और पूरी चीज़ें आपको मैं ये पेपर के माध्यम से दिखा रहा हूँ। रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय में कार्यरत थे आयुष फार्मासिस्ट मनीष यादव। सेहत टाइम्स में बातें लिखी गई हैं, लखनऊ से प्रकाशित होता। यहाँ स्थित रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय में आयुष फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत मनीष यादव की मृत्यु 14 अक्टूबर को शोक सभा का आयोजन किया गया। उनका कुछ दिन पूर्व स्वर्गवास हो गया, कुछ दिन पूर्व ही इनका स्वर्गवास हुआ है। आयुष फार्मासिस्ट संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अम्मार जाफरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लखनऊ के मनीष यादव भारत तिब्बतीय कॉलेज सहारनपुर वर्ष 11 और 12 बैच के फार्मासिस्ट थे। जून 2016 से निरंतर आयुष फार्मासिस्ट के पद पर अपनी सेवा दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चाहे कोरोना की महामारी हो, डेंगू का प्रकोप हो, आम जन की सेवा में मनीष ने अपना 100% योगदान दिया। कोरोना में भी अपने प्राणों को जो है आहुति पे देते हुए, प्राणों की रक्षा जनता की करने के लिए इन्होंने अपना 100% योगदान दिया भाई साहब ने। वरिष्ठ आयुष चिकित्सक डॉक्टर आई एम तवाब ने मनीष यादव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत अल्प वेतन भोगी आयुष फार्मासिस्ट को चिकित्सा सुविधा ना मिलने के कारण, इस बात पे आप लोग गौर कीजिएगा कि चिकित्सा सुविधा ना मिलने के कारण उचित संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। इनका वेतन इतना कम था है कि आजीविका चलना कठिन है। आपात परिस्थितियों में चिकित्सा बीमा ही इनको राहत दे सकता है। यूथ आयुष फार्मासिस्ट संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास त्रिपाठी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आयुष फार्मासिस्ट के प्रति सरकार की रवैया उदासीन है। पद रिक्त होते हुए भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। फार्मासिस्ट मानसिक तनाव में हैं। श्रद्धांजलि देते हुए डॉक्टर वसीम, डॉक्टर अभयानंद, आयुष फार्मासिस्ट संघ के महामंत्री देवेंद्र यादव, उपाध्यक्ष अध्यक्ष राजेश कुमार, सचिव जयप्रकाश, अमित सोलंकी, सुषमा और सुमित शुक्ला, कैलाश सोनी, राम सागर मौर्या जी, संदीप पाल और पीयूष पाठक, नसीर हसन, करण सिंह, सुनील कनौजिया इत्यादि सहित प्रदेश के समस्त आयुष चिकित्सक फार्मासिस्ट शामिल थे। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं है, और जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो आयुर्वेद की ही चिकित्सा पद्धति सबसे ज़्यादा कारगर हुई। आयुर्वेद फार्मासिस्ट के पद बिका 32 सालों से नहीं भरे गए हैं,
बेचारे कोई आत्महत्या कर रहा है नदी में कूद के, कोई जो है दवा ना मिलने के कारण राजधानी में जो लखनऊ में है उनका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हुआ और अपने प्राणों से हाथ धो बैठे बेचारे, इनके परिवार का क्या होगा? सरकार के क्या मनसा है इस फार्मासिस्ट के प्रति, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और इस बात को लेके सरकार से जो है पूछें, आयुष मंत्री से पूछें और सभी लोगों से इस बात को पूछना है कि क्या कर रहे हैं हमारे आयुष फार्मासिस्ट भाइयों बहनों के साथ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिससे जो है आने वाले समय में ऐसी घटनाएं किसी के साथ ना घटित हों, यही मैं कामना करता हूँ। जैसी आपकी इच्छा होगी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आने वाले समय में आयुष फार्मासिस्ट भुखमरी पे जो हैं मानसिक तनाव के और प्रताड़ना झेल रहे हैं, सामाजिक तनाव दबाव में हैं, उन सबका जो है कल्याण हो और सरकार जल्द से जल्द वैकेंसी निकाल के आयुष फार्मासिस्ट भाइयों बहनों का जो है कल्याण करे, क्योंकि आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए ही इन्होंने अपना जीवन दांव पे लगाते हुए आयुष फार्मासिस्ट में डिप्लोमा किया है और नतीजा आपके सामने है। तो जैसी आप लोग की इच्छा हो करिए और भाई साहब को मैं अपनी तरफ से जो है भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ कि इनकी आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करें और भावाकुल शोकुल परिवार को जो है इस असहनीय कष्ट को दूर करने में भगवान उनकी मदद करें। धन्यवाद।